हाँ जी, तो बात है ऐसी ना जाने कैसी, ये है एक्सपो सीरीज की तीसरी वीडियो, क्योंकि मैंने एक्सपो की जो है बहुत सारी वीडियोस लाइक शूट की हैं और वो एक दो वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे एक्सपो की जितने बार भी मैं एक्सपो में गया हूँ मैंने वीडियो बनाई है। और एक्सपो जो है जो दुबई में हो रहा है, दुबई एक्सपो बहुत बड़ा है, उसके अंदर 192 कंट्री हैं, 192 कंट्रीज़ हैं, तो एक दो वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो उसी सीरीज की जो है ये तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, और इसमें मैंने इंडिया का पवेलियन दिखाया है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, भाई मेरा नाम वसीम है, मैं दुबई में रहता हूँ और इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सपो के अंदर लेके चलता हूँ, चलो तो एक्सपो के अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो मैं जो हूँ आ गया हूँ एक्सपो के अंदर, और ये सामने ही आपको दिख जाएगा इंडिया का पवेलियन। और आज जब मैं आया था, जिस दिन बहुत ही भीड़ था एक्सपो में, एक्चुअली ज़्यादातर भीड़ होती है, पर मैं आया था फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन और ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे टिकट पे जो है डिस्काउंट चला हुआ था, तो उस डिस्काउंट की वजह से देख रहे हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है इंडियन पवेलियन के आगे। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये इंडिया का पवेलियन है, और इसके अंदर ही मतलब इंडिया के बारे में बता रहे हैं और इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी है वो इस बिल्डिंग के अंदर ही है। और ये इंडिया के पवेलियन के बराबर में ये है इज़राइल का पवेलियन, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन नहीं है, और इज़राइल के पवेलियन के बराबर में ही ये है इटाली का पवेलियन, यहाँ पर भी जो है इतनी लंबी लाइन नहीं थी, और ये जो है आधा बंद था इटाली का पवेलियन, तो मैं नहीं गया। अभी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट किए मैंने लाइन में, फिर मुझे अंदर जाने को मिला है। ये जो है एंट्रेंस है, यहाँ पे बंदी खड़ी हुई है वेलकम के लिए, और ये एंट्रेंस है इंडियन पवेलियन का, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडिया का पवेलियन है कैसा। यहाँ पे बहुत भीड़ की वजह से बहुत लोग हैं गाइड करने के लिए। ये देखो इंडिया में जो ग्रीनरी है उसको प्रमोट हो कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदी है योगा का पोस्चर बना के भी बैठी हुई है, आप लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ से निकलने के बाद जो है हमें जाना पड़ता है फर्स्ट फ्लोर में ऊपर। अभी मैं जो हूँ ऊपर जा रहा हूँ, इसके अंदर भी 2-3 फ्लोर हैं, अभी मैं फ़र्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ। तो ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पे देखो राजस्थानी और गुजराती टाइप का जो है म्यूज़िक चल रहा है, वो मैंने म्यूज़िक बंद किया हुआ है, और यहाँ पे चारों तरफ डिस्प्ले लगी हुई है, उस पर जो है शो चल रहा है, कुछ ये कुछ ना कुछ शो यहाँ पर चलता रहता है। और ये इंडिया का टेम्पल है, आप लोगों को पता ही होगा शायद, ये मुझे नहीं पता कहाँ पर ये इंडिया का टेम्पल है। और ये इंडियन फ्लैग यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये थोड़ा प्राउड मोमेंट लगता है जब भी मतलब इंडिया का फ्लैग ऐसा दिखता है। और ये जो है यहाँ पर ताजमहल जो है बना कर रखा हुआ है। मैंने क्या देखा है, ज़्यादातर जहाँ पे भी इंडियन कॉन्सेप्ट इस तरह का होता है वहाँ पर ताजमहल जो है ज़रूर होता है, यहाँ पर भी ताजमहल जो है ज़रूर शो करा रखा है इन्होंने। और ये जो है मेक इन इंडिया का जो लोयन है वो है, और ये भी मतलब एक अजीब तरीके से बनाया हुआ है, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको दिख जाएगा किस तरह का ये बनाया हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ भी था यहाँ पर कैसे बनाया है, पर मैंने उसको पढ़ा नहीं इतना क्योंकि बहुत रश था। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर व्यू, ये मेक इन इंडिया का जो है ये बनाया हुआ है, और ये जो गियर हैं ये सब चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये गियर सब चल रहे हैं। और ये जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर है, ये टेम्पल है शायद जो कहीं पे बन रहा है इस टाइम, और ये जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ भी बन रहा है, क्योंकि ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और ये काफ़ी सुंदर जो है टेम्पल है जो दिख रहा है इस पिक्चर में, रियल में शायद और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और इंडिया के पवेलियन में 3 या 4 फ्लोर हैं टोटल, और मेरे को याद नहीं है 3 है या 4 हैं, तो ये लास्ट जो है फ्लोर था, लास्ट पार्टी पार्ट था मतलब इस इंडियन पवेलियन के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और जैसे ही मैं बाहर निकला यहाँ पर जो है स्टेज शो हो रहा है इंडियन लाइक कल्चर के हिसाब से। ये मैंने देखा यहाँ पर जो महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग स्टेट का यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है एक तरह से। यहाँ पे जो है अभी पता नहीं ये कौन से स्टेट का ड्रेस है, मेरे को याद नहीं है सही से, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसका जो है शो चल रहा है। फिर इसके बाद जो है ये एक और शो हो रहा है, ये भी इंडियन का है, इंडियन शो है, और यहाँ पर भी ये शायद ये बॉम्बे का है, महाराष्ट्र का ऐसा कुछ है, उसका जो है यहाँ पर शो हो रहा है।
तो जैसे ही आप इंडिया के पवेलियन से बाहर आओगे तो उसके पास में और भी पवेलियन है, जैसे जापान का है, कोरिया का है, और ये सामने कोरिया और जापान के पवेलियन है। पर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था बाहर, तो इसके लिए मैं यहाँ से निकल गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जब भी टाइम मिले आराम से सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को मैं ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो दुबई आके ये सब चीज़ नहीं देख सकते।